दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसा रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग में आया है और उसमें इस तरह का फॉल्ट है कि मैंने सोचा भी नहीं था पहले कि इस तरह का फॉल्ट इसमें होगा। शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा और आपने बहुत कम बार इस तरह का फॉल्ट फेस किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ख़राबी है। इसमें सबसे पहले तो कूलिंग का प्रॉब्लम था, कूलिंग बहुत कम आ रहा था। तो मैंने इसको खोल के देखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। देखिए इसकी ग्रिल देख सकते हैं आप, यहाँ से जली हुई है। क्या वजह हो सकती है इसकी, ये देखिए यहाँ से पूरी जली हुई है ग्रिल। इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमें इसको चेक करने में आसानी होगी। ये देखिए ये तो बेकार हो चुकी है अभी। कोई फायदा नहीं, इसे तो रिप्लेस ही करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हीटर है और उसकी वजह से यह सब जल चुका है। इसकी वजह को चेक करना तो भी ज़रूरी बनता है। हो सकता है इसमें बायमेटल की खराबी हो या फिर टाइमर की। बायमेटल और टाइमर दोनों को ही चेक करना होगा हमें। इसमें टाइमर जो है वो नीचे की साइड में लगा हुआ। ये जो पूरी असेंबली है लैम्प थर्मोस्टेट और ये थर्मोस्टेट के पीछे है टाइमर लगा हुआ है यहाँ पर नीचे की साइड में। पहले ये दोनों स्क्रू खोल देते हैं तो ये पूरा असेंबली अलग हो जाएगा। ये देखिए ये है टाइमर, ये थर्मोस्टेट, ये टाइमर। हो सकता है कि ये टाइमर ख़राब हो और वो हीटर का सप्लाई कंटिन्यूस चालू रखता हो तो ऐसा हो सकता है। अभी ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चेक करते हैं सबसे पहले। और ये इसके बारे में, टाइमर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप इस तरह के फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का वायरिंग जानते हैं तो आपको इसे चेक करने में बड़ी आसानी होगी। जनरली वायरिंग डायग्राम फ्रिज के पीछे की साइड में लगा हुआ तो है। हर एक रेफ्रिजरेटर में उसका वायरिंग डायग्राम तो पीछे लगा हुआ रहता ही है। अगर आप इस तरह के फ्रिज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वायरिंग डायग्राम को अच्छे से स्टडी करें तो उससे कि आपको बहुत आसानी होगी और फॉल्ट फाइंडिंग भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हर एक कंपनी के अलग अलग डायग्राम रहते हैं और इसे स्टडी करिएगा आप। और अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर समस्या का समाधान करूं। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहें।